यस दोस्तों, यस जीत गए। मैंने कहा था ना कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी और हम लोग जीत गए। आप लोगों के साथ कमेंट्री करके जो है बहुत मजा आया दोस्तों। बट फिर भी एक वीडियो बनानी तो बनती है ना। मैंने कहा एक ना एक वीडियो तो बनाई जाए, इस खुशी को दोबारा से सेलिब्रेट किया जाए। बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट रहा दोस्तों, जैसा कि मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट रहा। पर अल्टीमेटली दोस्तों फाइनल के पैसे वसूल हो गए इंडिया के लिए। हालांकि ये मैच इतना क्लोज रहा, जैसा कि मैंने उस वक्त कमेंट्री में भी बोला था कि भैया किसी के नाखून अगर बचे भी होंगे ना तो वो अब तक इस मैच में सारे के सारे खा गया होगा। बहुत शानदार मैच रहा दोस्तों। मैंने 170 विनिंग टारगेट बोला था, वो सोचिए साउथ अफ्रीका ने कितने 169 रन मारे। भैया इतना क्लोज मैच था। हालांकि इंडिया ने 176 रन मारे। बहुत क्लोज गया दोस्तों साउथ अफ्रीका। और मैं तो लिटरली आप लोगों को भी बता रहा था कमेंट्री के दौरान कि सिर्फ साउथ अफ्रीका ही जो है ऐसी टीम है जो कि उस पोजीशन से 30 बॉलों में 30 रन चाहिए थे, वहां से सिर्फ साउथ अफ्रीका ही हार सकती है। ये इंडिया की जीत कम है, ये साउथ अफ्रीका की हार ज्यादा है। बट यस वी आर वर्ल्ड चैंपियंस और ये रिजल्ट में आएगा। टीम इंडिया विनर है यही लिखा जाएगा। टीम इंडिया जीती है वर्ल्ड कप 2024 T20I का। टीम इंडिया के नाम गया है। बहुत ही बेहतरीन खेल हुआ दोस्तों। कुछ कुछ कमियां रही लेकिन जब आप जीत जाते हैं तो कमियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत शानदार पारी रही दोस्तों। चलिए आइए एक बार फिर से रिलीव करते हैं उन मोमेंट्स को। भाई रोहित शर्मा जो है अपने आए तेज तर्रार, उन्होंने दो चौके मारे और दूसरे ही ओवर में जो है वो आउट हो गए थे। केशव महाराज को जो है उन्होंने अपनी विकेट दे दी थी, वो जल्दी जल्दी आए और जल्दी जल्दी निकल गए। पता नहीं किस चीज की जल्दी है, उन्हें टिक्कर खेलना था उनको लेकिन वो टिक्कर नहीं खेल पाए। खैर विराट कोहली ने जैसा मैंने कहा था कि भैया आप टिक्कर खेलिए, 50 बॉलों में 70 रन मारिए, तो उन्होंने 50 बॉलों में 70 रन नहीं मारे लेकिन 58 बॉलों में, मेरे ख्याल से 59 बॉलों में 76 रन मार दिए। थोड़ी सी स्लो इनिंग रही दोस्तों उनकी, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा वो स्लो खेले। लेकिन फिर भी उस वक्त एंकर की जरूरत थी तो कोहली ने जो है वो एंकरशिप प्रोवाइड करी। बाद में लास्ट मोमेंट पे जाकर जो है वो थोड़ा सा फॉल्टर कर गए। 10-15 रन उनको थोड़ा सा और ज्यादा बनाने थे तो शायद ये मैच इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता। मैंने 170 जरूर कहा था दोस्तों विनिंग टोटल है, पिच को देखते हुए कहा था। लेकिन साउथ अफ्रीका जो है वो इतनी क्लोज आ गई। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका ही ये जो है वो मैच हारी है, इंडिया तो शायद नहीं जीती है। नो डाउट इंडिया ने बॉलिंग अच्छी करी, बुमराह अर्शदीप और हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बट साउथ अफ्रीका ये मैच हारी है। और ये मैं 100% कहूंगा, 30 बॉलों में 30 रन से कोई भी टीम नहीं हार सकती। हार सकती है तो वो है चोकर साउथ अफ्रीका। रैली में दोस्तों एक बार तो मैं भी मायूस हो गया था कि भैया ये क्या हो गया, स्पेशली जब अक्षर पटेल के जो है उस ओवर में 24 रन पड़े थे। उस वक्त तो मेरे को भी मायूसी छा गई थी कि भैया लो एक वर्ल्ड कप और हाथ से गया। लेकिन इंडिया की किस्मत थी, साउथ अफ्रीका की किस्मत नहीं थी, इसी वजह से जो है इंडिया जीती। नो डाउट आपको गॉड हैव दोज हु हैव देमसेल्व्स। इंडियन बॉलर्स ने, बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी दोस्तों, बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। हार्दिक पांड्या की लकी विकेट रही क्लासन की, उसी की वजह से जो है हम लोग मैच में वापस आ पाए। और सूर्य कुमार यादव की कैच दोस्तों, उस टाइम पे उस जगह पे जो है जब 6 बॉलों में 16 रन चाहिए थे, किलर मिलर की जो है कैच करके, और वो भी बिल्कुल एकदम लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री पर, अल्टीमेट क्लासिक कैच दोस्तों। ऐसी प्रेशर में कैच, ऐसी कैचेस तो हमने बहुत बार देखी है लेकिन इतने प्रेशर में कैच लेना, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना, मेंटल स्ट्रेंथ दिखाना, वो सूर्य कुमार यादव ने कर दिखाया दोस्तों। और शानदार कैच लेते हुए जो है मैच इंडिया की झोली में डाल दिया था। वरना किलर मिलर भी आखिरी ओवर में जाकर जो है इंडिया को वो मैच हरा सकते थे। हालांकि 6 बॉलों में 16 रन मारना आसान नहीं होता दोस्तों, 10 में से 8 बार आप फेल हो जाएंगे। बहरहाल आते हैं इंडिया की बारी के ऊपर। केशव महाराज ने एक ही ओवर में जो है 2 विकेटें ले ली थी। पहला रोहित शर्मा को आउट किया था उन्होंने दो चौके खाने के बाद, और फिर उसके बाद उन्होंने ऋषभ पंत को आउट किया, वो भी सेकेंड बॉल पर ही। फुल टॉस बॉल थी, ऋषभ पंत पता नहीं स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे और फुल टॉस बॉल सीधा खड़ी हो गई और क्विंटर डिकॉक ने उनको कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव थोड़े से अनलकी रहे, उन्होंने जो है वो रबाडा को शॉट मारने की कोशिश करी और वो
स्क्वायर लेग पे कैच आउट हो गए। शॉट अच्छा था लेकिन वही कि ही फाइंड द फील्डर, उन्होंने सीधा फील्डर को ही जो है वो पकड़ लिया और उनके सीधा हाथों, सीधा तो नहीं मतलब 2-4-5 मीटर की दूरी पे ही उन्होंने फील्डर के हाथों में कैच पकड़ा दी। उसके बाद दोस्तों आए अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, 31 बॉलों में 47 रन मारे, वो हाफ सेंचुरी जो है वो डिजर्व करते थे, लेकिन रन आउट हो गए वो यार। क्विंटन डिकॉक ने बहुत अच्छा थ्रो फेंका दोस्तों, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन इतना सा रह गए वो। अगर इतना सा वो क्लियर कर जाते तो अपनी आज उनकी हाफ सेंचुरी पूरी होती, इंडिया का स्कोर भी ज्यादा होता, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। अक्षर पटेल रन आउट हो गए, हाफ सेंचुरी अपनी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन जो उनको काम दिया गया था वो काम कर गए। 31 बॉलों में 47 रन मार गए और कोहली का साथ दे गए। उसके बाद आए दोस्तों शिवम दुबे। शिवम दुबे ने जो है 16 बॉलों में 27 रन मारे, 3 चौके और 1 छक्के। शुक्र है आज शिवम दुबे बैटिंग में कुछ कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवम दुबे जी। हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने 2 बॉलों में 5 रन मारे, हालांकि सिर्फ आखिरी ओवर में ही आए थे वो। रविंद्र जडेजा भी आखिरी ओवर में आए थे और उन्होंने सिर्फ 2 बॉलों पे 2 रन मारे। इस तरीके से भारत का टोटल जो है वो 176 रन बना 7 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग की बात करूं दोस्तों तो मार्को येंसन को बहुत बुरी तरीके से पिटाई मिली, 4 ओवर में 49 रन ठोके गए उनके और उन्होंने 1 विकेट ली। इसके बाद दोस्तों अगर बात करूं तो केशव महाराज 3 ओवर 23 रन 2 विकेटें, केसीगो रबाडा 4 ओवर 36 रन 1 विकेट। मैं आपको कह रहा था ना कि आखिरी में रबाडा को पीटा जा सकता है, और आखिरी में रबाडा के मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है शायद 14 रन आए थे। एडम मार्कर ने भी दोस्तों बॉलिंग करी थी, 2 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए। एंड्रयू नॉर्किया, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर में 26 रन ही दिए सिर्फ और 2 विकेट ली। उनकी आज बॉलिंग अच्छी थी, बाकी अच्छी थी। तबरेज शमसी ने भी दोस्तों 3 ओवर में 26 रन और कोई विकेट नहीं। तो इंडिया ने 176 रन बना के दोस्तों टारगेट दिया था 177 का। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि टीम इंडिया जीतेगी, टीम इंडिया जीतेगी, लेकिन साथ में ये भी कह रहा था कि क्विंटन डिकॉक को और हेनरी क्लासन को आउट करना बहुत जरूरी है। 120 रन से पहले पहले इन दोनों की विकेट आनी जरूरी है। दे आर दी फ्लैश इन दी थॉर्न। इंडिया और कप के बीच में अगर कोई खड़ा है तो क्विंटन डिकॉक और हेनरी क्लासन ही खड़े हैं, और ऐसा ही हो रहा था दोस्तों। सिर्फ चले कौन से दो लोग? हेनरी क्लासन और क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक ने 39 रन मारे दोस्तों और हेनरी क्लासन ने 52 रन मारे। क्रिस्टन स्टब्स ने भी अच्छा खेला दोस्तों, उन्होंने 21 बॉलों में 31 रन मारे। हालांकि रीजा हेंड्रिक्स जो है बहुत जल्दी आउट हो गए थे, बहुत ही शानदार बॉल पे बुमराह ने उनको बोल्ड किया था। अल्टीमेट बॉल थी दोस्तों, लेग पे पड़ के, तकरीबन मिडल लेग पे पड़ के और सीधा वो स्टंप उखाड़ के ले गई ऑफ स्टंप। बहुत ही शानदार बॉल थी दोस्तों जिस पे रीजा हेंड्रिक्स आउट हुए थे। उसके बाद एडन मार्करम, वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, वो भी जो है 5 बॉलों में एग्जैक्टली 4 रन बनाकर जो है आउट हो गए थे। उन्हें अर्शदीप ने पंत के हाथों कैच आउट कराया था, वो भी अच्छी विकेट थी दोस्तों। उसके बाद जम गए थे भैया ट्रिस्टन स्टब्स और अपने क्विंटन डिकॉक, लेकिन तब भी उनकी रन रेट जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं थी। वो उस वक्त तकरीबन तकरीबन 7 साढ़े 7 रन की 8 रन की 7.5 रन की एवरेज से ही चल रहे थे इनफैक्ट। एंड देन उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स जो है उनको आउट किया हमारे अक्षर पटेल ने। 8.5 ओवर्स में उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को 70 रन के योग पर, टोटल टीम का योग था उस पर आउट किया। और उसके बाद जोड़ी जम गई दोस्तों क्विंटन डिकॉक की और अपने हेनरी क्लासन की, जिनको कि मैं कह रहा था कि भैया यही दोनों जो है आखिरी तक टिकेंगे और इंडिया को हरा ना दें, वही होता नजर आ रहा था दोस्तों। तो उस वक्त 12.3 ओवरों में 106 रन का स्कोर था, तब क्विंटन डिकॉक को जो है आउट किया अपने अर्शदीप सिंह ने। अर्शदीप सिंह को दोबारा से लाया गया था, उन्होंने कुलदीप यादव के हाथों कैच कराया और क्विंटन डिकॉक को पवेलियन में वापस भेजा। हेनरी क्लासन तो दोस्तों जैसे आज सोचकर ही आए थे कि भैया आज वर्ल्ड कप अपने साथ ही घर लेके जाऊंगा, नटखट रहूंगा। 27 बॉलों में मात्र 27 बॉलों में उन्होंने 52 रन दिए और इतना बुरी तरीके से मारा, स्पेशली जैसे कि मैंने कहा कि स्पिनर्स ने जो है 9 ओवरों में अपने 106 रन दिए हैं दोस्तों, यानी कि पेसर्स ने अपने 7 ओवरों में जो है आप अंदाजा लगा लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 69 माफ कीजिएगा 63 रन दिए हैं। 11 ओवरों में पेसर्स ने सिर्फ 63 रन दिए हैं, 6 से भी कम की रन रेट से जो है हमारे पेसर्स ने बॉलिंग करी है।
मैं आपको कह रहा था ना कि सिराज को यहाँ पे लाना इम्पोर्टेंट है, कमेंट्री के दौरान भी मैं बोल रहा था कि सिराज को लाना ही चाहिए। अक्षर पटेल का जो ओवर था दोस्तों, वो टर्निंग पॉइंट था मैच का, जहां पे कि इंडिया के हाथ से मैच निकल गया था। 6 ओवरों में 54 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए, और अक्षर पटेल के ओवर में पिटे थे 24 रन। आई थिंक 2 चौके और 2 छक्के पड़े थे उनको, 2 चौके, हाँ 2 चौके और 2 छक्के पड़े थे उनको, और उसके अलावा कुछ कुछ डबल रन भी पड़े थे, तो टोटल जाके उन्होंने 24 रन खाए थे दोस्तों। बहुत ही बुरा, बहुत ही घटिया ओवर था। अक्षर पटेल को जो है वो सूर्य कुमार यादव की कैच ने बचा लिया, बिल्कुल सही बात है। डेविड मिलर भी दोस्तों थोड़ी देर में टिक गए थे। हेनरी क्लासन का मैं बता रहा था आपको, 151 रन के योग पर जाकर जो है टीम इंडिया को उनकी विकेट मिली 16.1 ओवरों में। तब कितनी बॉलें शेष बची थी दोस्तों, 23 बॉलें शेष बची थी तब। 23 बॉलों में जो है उनको चाहिए थे मात्र मात्र 151 के योग था ना, 26 रन चाहिए थे 23 बॉलों में। वहां से भी दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा था कि टीम इंडिया मैच जीत सकती है, बट जैसा कि मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ही इस मोड़ पर आकर जो है मैच हार सकती है। 30 बॉलों में 30 रन और फिर उसके बाद 23 बॉलों में 26 रन। बुमराह का पूरा योगदान था दोस्तों, फास्ट बॉलर्स का पूरा योगदान था। चलिए खैर, उसके बाद आकर जो है मार्को येंसन आए थे, वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, बुमराह ने उनको भी बोल्ड कर दिया था। बहुत ही शानदार बॉल थी दोस्तों, मार्को येंसन चारों खाने चित हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। एंड उसके बाद दोस्तों जब छठी विकेट गिर चुकी थी, तब तक कुछ कुछ यकीन होने लग गया था कि इंडिया जीत सकती है यहां से। 21 रन चाहिए थे इंडिया को, 14 बॉलों में 21 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। लेकिन 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 अभी बुमराह जो है वो बॉलिंग कर रहे थे, और साथ में अर्शदीप और हार्दिक पांड्या का ओवर बचा हुआ था। बुमराह ने जो है अगली 2 बॉलों पर कोई रन नहीं दिया, तो 12 बॉलों में सिर्फ 21 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। किलर मिलर्स जो है वो जो है वहां पर थे, और उनके ज्वाइन किया था उनको महाराज ने कोशिश अपनी तरफ से करने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ खास कोशिश नहीं कर पाए, महाराज महाराज नहीं बन पाए। 7 बॉलें उन्होंने वेस्ट कर दी और सिर्फ 2 रन मार पाए। उसी के वजह से दोस्तों उनको जो है प्रेशर आ गया, हालांकि वो आखिरी तक नेट आउट रहे। प्रेशर किसने लिया? डेविड मिलर आखिरी के ओवर में। भैया जब केशव महाराज रन ही नहीं मार पाए, अर्शदीप ने जब अपना 19वां ओवर फेंका, उसमें उन्होंने मात्र 5 रन दिए, सिर्फ 5 रन। अर्शदीप का वो बहुत ही खास ओवर था दोस्तों, उसमें हालांकि उन्होंने विकेट तो कोई नहीं ली, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 रन देके हार्दिक पांड्या के लिए आखिरी ओवर बहुत ही आसान बना दिया था। साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में जीतने के लिए जो है वो 16 रन चाहिए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों? प्रॉब्लम थी हमारे किलर मिलर। डेविड मिलर अभी भी थे क्रीज पर, और उनके साथ थे केशव महाराज। किलर मिलर स्ट्राइक पर थे, उन्होंने छक्का मारने की पूरी कोशिश करी, बॉल हवा में खड़ी हो गई थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जो है बेहतरीन कैच लेके, मैं पहले भी तारीफ कर चुका हूँ दोस्तों, ऐसी कैच अंडर प्रेशर बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत रेयर देखने को मिलती है दोस्तों। उन्होंने अंडर प्रेशर आके बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पे बेहतरीन कैच ली। कैच लेने के बाद वो अंदर भी चले गए थे, लेकिन बॉल उन्होंने हवा में उछाल दी थी, और फिर दोबारा उन्होंने अंदर आकर जो है वो कैच ली। वन ऑफ दी ब्रिलियंट कैचेस अंडर प्रेशर दैट आई हैव सीन, बेहतरीन कैच स्काई के द्वारा। उसके बाद दोस्तों 5 ओवर में 16 रन बचे थे, फॉर्मेलिटी बची थी। हालांकि जैसा कि मैंने लाइव में आकर भी कहा था कि भैया मैच इंटरेस्टिंग बनाना है तो इस बॉल पे रबाडा को आते ही चौका मारना चाहिए, और रबाडा ने चौका मार दिया था। हालांकि स्लिप के पास से एज होकर गई थी, वो फोर्थ स्लिप थी और विकेट कीपर थी, उन दोनों के बीच में से जो है बॉल चौके के लिए गई थी, तो अब चाहिए थे 4 बॉल में 12 रन। वहां से दोस्तों कुछ भी नाटकीय घटनाक्रम नहीं घटा, मुश्किल से जो है एक एक दो दो रन करके जो है वो सिर्फ वही ले पाए। और रबाडा, जी हाँ, रबाडा को भी पांड्या ने जो है वो कैच आउट करा दिया था, वो भी सूर्य कुमार यादव ने ही कैच किया था, माफ कीजिएगा, कुलदीप यादव ने कैच आउट किया था उनको 5वीं बॉल पर। उस वक्त नहीं, सूर्य कुमार यादव ने किया था, माफ कीजिएगा, सूर्य कुमार यादव ही लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए थे, उन्होंने ही कैच आउट किया था। दोनों यादवों में मुझे कंफ्यूजन हो गई, तो सूर्य कुमार यादव ने ही जो है वो, हालांकि शॉट कुछ खास लगा नहीं था, 2 बॉलों में 8 रन 9 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और वो जो कैच आउट था दोस्तों, उस कैच आउट ने भी सील कर दिया
इंडिया की विक्ट्री को, क्योंकि उसके बाद एक बॉल में सिर्फ 9 रन चाहिए थे और वो एक लीगल डिलीवरी में बन नहीं सकते हैं। तो लास्ट बॉल पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिला साउथ अफ्रीका वालों को और इंडिया इस तरीके से मैच जीत गई। अल्टीमेट मैच था दोस्तों, इंडिया इज दी विनर। मैंने कहा था कि 170 का स्कोर जो है वो विनिंग टोटल होगा, 169 रन मार पाई। हालांकि इफ्स एंड बट्स बहुत थे मैच में, बिल्कुल नेट बाइटिंग फिनिश थी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, बट दिस ट्रूली डिजर्व टू बी दी फाइनल मैच। इतना क्लोज मैच फाइनल में होना चाहिए। दोनों टीमें अपने लगभग सभी मैचेस जीत के आई थी, कोई भी टीम जो है वो मैच हारी नहीं थी। साउथ अफ्रीका ने भी जो 8 में से 8 मैच जीते थे, इंडिया ने भी 8 में से 7 मैच जीते थे। जो मैच धुला था उनका वो कनाडा के खिलाफ था, वो भी उन्होंने जीतना ही था, तो वो भी जीता हुआ मैच ही वैसे माना जाएगा। बट रिकॉर्ड के हिसाब से लॉ ऑफ एवरेजेस जो है वो साउथ अफ्रीका को खा गई। लॉ ऑफ एवरेजेस की वजह से साउथ अफ्रीका हार गई। इंडिया का मैच एक जो है वो नहीं हो पाया था कनाडा का, इसकी वजह से शायद इंडिया बच गई। लॉ ऑफ एवरेजेस इंडिया के ऊपर लागू नहीं हुआ। बहुत ही शानदार मैच रहा दोस्तों, आपके साथ कमेंट्री करके मजा आ गया। 3.5 घंटे से ज्यादा की जो है मैंने कमेंट्री की। आप लोगों का भी लगातार साथ मिलता रहा मुझे, आप सभी लोगों का दोस्तों मैच देखने के लिए धन्यवाद। इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है, ये मैं आपको पहले से ही कह रहा था और अब तो ये सच हो चुका है। तो ये वीडियो भी दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो मैंने वर्ल्ड कप इंडिया जीतने वाली है वो वीडियो बनाई थी, साडा कप एथेरग, वो वीडियो भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चल सके और मेरे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सके। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक आपने वीडियो को कर ही दिया होगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके इंडिया के बारे में बता सकते हैं, इंडिया जीत गई, इंडिया विंस, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। कम से कम 200-250 कमेंट तो आने ही चाहिए भैया, इंडिया की जीत की खुशी में इतना तो आप कर ही सकते हैं। और शेयर आप कर ही रहे हैं वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आज आपके साथ।